हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे डीडीए यानी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की लॉन्च की गई एक अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के बारे में। पर उससे पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो कुछ यूजफुल लगे और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियोस के साथ अब रहने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। वीडियोस को अपने कॉन्टैक्ट्स के साथ प्लीज़ शेयर करें। फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं कि ये हाउसिंग स्कीम कब और क्यों लॉन्च की गई थी। डीडीए यानी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि अंडरटेकिंग है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसने एक्चुअली लॉन्च की थी एक स्पेशल हाउसिंग स्कीम सन 2021 के तकरीबन एंड के दौरान। तो फ्रेंड्स, ये स्कीम पर लॉन्च क्यों की गई? जैसा कि आप जानते हैं कि इन्फ्लेशन का माहौल चल रहा है, तो इसी इन्फ्लेशन के माहौल में लोअर मिडिल इनकम ग्रुप, लोअर इनकम ग्रुप और मिडिल इनकम ग्रुप, इनके लोगों के लिए इस तरह की स्कीम को लॉन्च किया गया। तो तब से इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसी हाउसिंग स्कीम का फेज फोर लॉन्च किया 12 सितंबर 2022 को। तो फ्रेंड्स, जिस तरह से सरकार की पॉलिसी रही है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पॉलिसी, तो उसी पॉलिसी के तहत इस स्कीम को एग्जीक्यूट किया गया। यानी कि जो स्कीम को ऑनलाइन माध्यम के थ्रू फ्लोट किया गया, इस स्कीम में डीडीए के फ्लैट्स को इंटरनेट के माध्यम से ही परचेस यानी खरीदा जा सकता है। पर इंटरेस्टिंग बात इस स्कीम के बारे में ये है कि उनको खरीदा जा सकता है ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर, FCFS बेसिस पर। इसको हम आगे समझेंगे। आगे हम देखते हैं कि ये फेज फोर FCFS स्कीम की रजिस्ट्रेशन और बुकिंग किस तरह से और कब तक चलेगी। चौथे फेज की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई थी 30 जून 2023 को शाम के 5 बजे, और फ्लैट्स की बुकिंग ओपन की गई लोगों के लिए 10 जुलाई 2023 को दोपहर के 12 बजे। और ये बुकिंग कब तक चालू रहेगी? ये बुकिंग तब तक चलती रहेगी जब तक कि सारे के सारे फ्लैट्स बिक नहीं जाते। और एक और ज़रूरी बात इन फ्लैट्स के बारे में ये है कि सारे के सारे फ्लैट्स रेडी टू मूव कंडीशन में है। यानी कि इनमें आप फ्लैट्स खरीदने के बाद सीधा उनमें रहने जा सकते हैं, वो ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं। और ये फ्लैट्स कहाँ कहाँ स्थित हैं? ये फ्लैट्स हैं जसोला में, नरेला, द्वारका में, रोहिणी में, सिरासपुर, लोक, नायकपुरम, इन जगहों पे। अब देख लिया कि जो फ्लैट्स हैं वो कहाँ कहाँ लोकेटेड हैं, कहाँ कहाँ स्थित हैं। पर एक बहुत ही ज़रूरी बात कि इन फ्लैट्स की कीमत कितनी है, कॉस्ट कितनी होगी। जो 1 BHK फ्लैट्स हैं उनका प्राइस तकरीबन 10 लाख से लेकर के 28.5 लाख 28.5 लाख तक होगा। 2 BHK फ्लैट्स उनका प्राइस स्टार्ट होगा तकरीबन 1 करोड़ से और 1.3 करोड़ तक होगा। 3 BHK फ्लैट्स का प्राइस जो दाम होगा वो 2.1 करोड़ के आसपास, यानी 2 करोड़ 10 लाख के आसपास स्टार्ट होगा।
2 करोड़ 18 लाख मान के चलना चाहिए। अब आगे देखते हैं कि इस FCFS स्कीम में अप्लाई करने के क्या-क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या-क्या फायदे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस स्कीम में अप्लाई करने के दो तो बहुत ही यूनिक एडवांटेजेस हैं। पहला तो ये कि इस स्कीम में कोई भी ड्रॉ नहीं है, कोई भी बिडिंग या ऑक्शन जैसे की जाती है फ्लैट्स की वो नहीं है, तो किस्मत का खेल तो हट गया। सारे के सारे फ्लैट्स अलॉट होंगे ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि जो भी एप्लीकेंट सबसे पहले फ्लैट को बुक कराएगा उसके लिए वो फ्लैट बुक हो जाएगा, यानी बुकिंग अकाउंट जो पहले डिपॉजिट करा देगा चलो उसके लिए वो फ्लैट रिजर्व हो गया। दूसरा बहुत ही बड़ा फायदा कि इस स्कीम में एप्लीकेंट अपनी मर्जी से अपना फ्लैट चूज कर सकता है, जो सिर्फ अच्छा लगे वो ऑनलाइन पोर्टल पे जा करके उस फ्लैट को चूज कर सकता है और उसको बुक कर सकता है। बाकी आपने गवर्नमेंट की काफी सारी स्कीम्स में देखा होगा कि ड्रॉ से अपने आप ही कोई भी रैंडम बेसिस पे कोई भी फ्लैट अलॉट कर दिया जाता है एप्लीकेंट को, और बाद में हो सकता है वो पसंद ना आए एप्लीकेंट को, पर यहाँ पे ये नहीं है, जो पसंद है उसी ही बुक किया जाए, ये ऑप्शन दिया गया है एप्लीकेंट्स को। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि जैसे कि ये फ्लैट्स दिल्ली जैसी जगह पे हैं, तो क्या ये फ्लैट्स लीज पे दिए गए हैं एप्लीकेंट्स को? जी हाँ, फ्लैट्स जो हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से एप्लीकेंट्स को 99 ईयर्स की लीज पे दिए जा रहे हैं, वो फ्री होल्ड बेसिस पर नहीं दिए जा रहे। पर सबसे पहले ये भी जानना साथ ही में जरूरी है कि इन दोनों में फर्क क्या है, लीज होल्ड और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, इन दोनों में क्या अंतर है। जिसको इनके अंतर के बारे में ना पता हो मैं उसके लिए बताना चाहूंगा। लीज होल्ड प्रॉपर्टी यानी कि वो प्रॉपर्टी है जिसका हक प्रॉपर्टी के खरीदार को एक सीमित समय के लिए दिया जाए, पर मालिकाना हक जो होगा वो ओरिजिनल ओनर के पास ही रहेगा, यानी कि इस केस में गवर्नमेंट के पास। और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी क्या है? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी यानी कि वो प्रॉपर्टी जिसका मालिकाना हक पूरी तरह से प्रॉपर्टी के खरीदार को दे दिया जाए, यानी कि उसमें कोई आप ड्यूरेशन यानी कि सीमा नहीं लगाएंगे कि इतने साल के लिए उसका हक खरीदार के पास रहेगा और उस सीमा की समाप्ति के बाद वो उसका उसका हक वापस दोबारा से गवर्नमेंट को ट्रांसफर हो जाएगा। नहीं, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में हमेशा के लिए खरीदार के पास ही हक रहेगा। लीज होल्ड प्रॉपर्टी के केस में अगर खरीदार जो है अपने अपना रहने का हक एक्सटेंड करवाना चाहता है, जैसे कि यहाँ पे 99 साल तक का लीज पीरियड है, तो 99 साल के बाद भी अगर खरीदार रहना चाहे तो उसको एक कीमत उसकी अदा करनी होगी गवर्नमेंट को। पर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में तो ऐसा कोई कोई कीमत अदा नहीं करनी होती, क्योंकि उसका तो पूरी तरह से हक ही खरीदार के पास पहले ही होता है, कोई सीमा की पाबंदी नहीं होगी। लीजहोल्ड प्रॉपर्टी को बेचते टाइम उस प्रॉपर्टी का असली मालिक यानी कि जैसे गवर्नमेंट हो सकती है, उससे परमिशन लेनी होगी, काफी सारी फॉर्मेलिटीज होंगी जो कि फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को बेचते समय खरीदार को उन सब फॉर्मेलिटीज का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो बहुत लोग जो मानते हैं वो ये मानते हैं कि
फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी काफी सारी केसेस में लीजहोल्ड प्रॉपर्टी से बेहतर है। तो अब आगे देखते हैं, क्योंकि फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी को बहुत सारे लोगों के मुताबिक लीजहोल्ड प्रॉपर्टी से अच्छा माना गया, तो गवर्नमेंट ने भी इस स्कीम में खरीदारों को एक 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 प्रोविजन ये भी दी है कि वो लीजहोल्ड प्रॉपर्टी तो खरीद रहे हैं, पर उसके बाद वो उसको कुछ कीमत अदा करके फ्रीहोल्ड में कन्वर्ट करवा सकते हैं, पर वो कीमत बहुत ही नॉमिनल है, जैसे कि हम इस ये टेबल में देख सकते हैं। 1 BHK फ्लैट्स के लिए अगर वो नरेला, रोहिणी, लोकनायकपुरम और सिरासपुर में स्थित हो तो 28,000 रुपया देकर के लीज होल्ड प्रॉपर्टी को फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करवाया जा सकता है, और अगर वो जसोला और द्वारका में स्थित हो फ्लैट्स तो 37,530 रुपये देकर के कन्वर्ट कराया जा सकता है। 2 BHK फ्लैट्स के लिए यही कीमत नरेला, रोहिणी, लोकनायकपुरम और सिरासपुर में होगी 39,825, और जसोला और द्वारका के केस में होगी 53,055। 3 BHK फ्लैट्स के लिए नरेला, रोहिणी, लोकनायकपुरम और सिरासपुर में 58,590, जसोला द्वारका में 78,030। तो इतना साफ साफ क्लियर है कि अगर कोई एप्लीकेंट लीज होल्ड प्रॉपर्टी को फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कराना चाहता है तो वो आराम से फ्री होल्ड में कन्वर्ट करा सकता है। उसको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि उसको लीज होल्ड प्रॉपर्टी ही खरीदनी पड़ेगी, वो एक्चुअली लीज होल्ड से फ्री होल्ड में आसानी से कन्वर्ट हो जाएगी बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे। और EWS कैटेगरी के लिए, EWS रिजर्व फ्लैट्स जो है उनके लिए तो कोई भी कन्वर्शन चार्ज नहीं लगेगा, यानी कन्वर्ट कराने के लिए कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। अब आगे देखते हैं कि इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी। पहली चीज, एप्लीकेंट जो है भारत का नागरिक होना चाहिए, एप्लीकेंट की उम्र 18 से ऊपर होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। EWS कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए जो सालाना पारिवारिक इनकम है वो 10 लाख से कम होनी चाहिए। एक चौथी कंडीशन कि कोई भी फ्लैट हो EWS फ्लैट्स को छोड़ करके उनके लिए कोई भी इनकम क्राइटेरिया नहीं है। असल में कोई भी इनकम ग्रुप का इंसान हो, चाहे लो, चाहे मिडल या हाई इनकम ग्रुप वाला, कोई भी अप्लाई कर सकता है। एक और चीज जाननी बहुत जरूरी है कि पहले पहले के रूल के मुताबिक वही इंसान इस स्कीम में अप्लाई कर सकता था DDA की, स्पेशल हाउसिंग स्कीम। उसकी खुद की जमीन का एरिया 67 स्क्वायर मीटर, 67 स्क्वायर मीटर से कम होगा, लेकिन अब ये रूल हटा दिया गया है। अब कितना भी एरिया किसी के पास हो, कोई भी अप्लाई इस स्कीम में कर सकता है। तो कितनी भी प्रॉपर्टीज आपके पास हो, कितना भी एरिया आप ओन करते हो, आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं स्कीम में। EWS कैटेगरी एप्लीकेंट्स के लिए एक चीज बतानी बहुत ही आवश्यक है कि उनके पास EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर नहीं होगा और वो बुकिंग कर लेंगे और बाद में पता लगता है कि EWS सर्टिफिकेट नहीं है तो उनकी अलॉटमेंट को कैंसिल किया जा सकता है और सारा का सारा अमाउंट जो पे किया गया होगा वो सारा का सारा जब्त हो सकते हैं, तो इस बात का खास ध्यान रखना होगा। अब आगे हम देखते हैं कि फ्लैट को बुक कराने के लिए कितनी अमाउंट की जरूरत होगी।
और फ्लैट की असल में कीमत कितनी होगी। 1 BHK फ्लैट्स को बुक कराने के लिए 50,000 रुपये EWS कैटेगरी के केस में और बाकियों के लिए बुकिंग अमाउंट होगा 1 लाख 1 लाख। 2 BHK फ्लैट्स के लिए बुकिंग अमाउंट होगा 4 लाख और 3 BHK फ्लैट्स के लिए बुकिंग अमाउंट होगा 10 लाख। जो एक्चुअल कॉस्ट है फ्लैट की, वो फ्लैट को बुक करने के 24 घंटे के अंतराल में ईमेल पे सेंड कर दी जाएगी एक डॉक्यूमेंट में, जिस डॉक्यूमेंट का नाम होगा डिमांड कम अलॉटमेंट लेटर। वो एप्लीकेंट के ईमेल एड्रेस पे ही आएगा और उसमें फ्लैट के कॉस्ट की पूरी डिटेल्स देखी जा सकती हैं। इसके अलावा जो एप्लीकेंट का DDA की वेबसाइट पर ऑनलाइन अकाउंट बनेगा, उस पेज पर भी पूरा का पूरा देखा जा सकता है, पूरी डिटेल्स फ्लैट की कॉस्ट की। आगे देखते हैं एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ किसी भी इंटरेस्टेड एप्लीकेंट के लिए, जो कि असल में एक वार्निंग मैसेज है, और अप्लाई करते समय उस चीज़ को ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। सोसाइटी में कुछ असामाजिक तत्व हैं जिन्होंने कि बहुत ही फ्रॉडुलेंट यानी कि धोखाधड़ी वाली वेबसाइट्स बना रखी हैं ताकि लोगों को चीट किया जा सके, उन्हें लूटा जा सके, धोखा दिया जा सके। और उन वेबसाइट्स के नाम भी DDA की असली वेबसाइट से मिलते जुलते हैं ताकि लोगों को भ्रमित किया जा सके। तो सभी को इस बात का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है कि किसी भी धोखाधड़ी वेबसाइट पर जाकर के पेमेंट ना करें, DDA की असली वेबसाइट पर ही जाएं। अभी यहाँ आप वेबसाइट्स बनाई जा की हैं जहाँ पे बहुत लोग पेमेंट कर चुके हैं और बाद में पता लगा कि ये तो असली DDA की वेबसाइट ही नहीं थी, जैसे कि ये DDAflat.org.in, ये किसी धोखेबाज इंसान ने बना दी होगी। इसी तरह ये DDAeauction.in, DDAhousingyojana.com और भी इसकी तरह की और भी वेबसाइट्स हो सकती हैं, पर अब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि DDA की असली वेबसाइट क्या है। DDA की असली वेबसाइट है DDA.gov.in। तो इस वेबसाइट को अपने दिमाग पे याद करके ही रखें, भूलिए ना इस वेबसाइट को, DDA.gov.in। जो भी पेमेंट होनी है इसी वेबसाइट पर कीजिए, खोले ही सिर्फ इसी वेबसाइट को और किसी वेबसाइट को ना खोले। अब आगे देखते हैं कि अप्लाई करने का तरीका क्या होगा। सबसे पहले हम खोलेंगे DDA.gov.in की वेबसाइट को और वहां पे जाकर के क्लिक करेंगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व फेस्ट फोर हाउसिंग स्कीम 2023 न्यू पे, और फिर जो यूजर है वो डायरेक्ट हो जाएगा eservices.dda.org.in पर। तो आगे देखते हैं, जब eservices.dda.org.in पर एप्लीकेंट को ये क्रिएट लॉगिन नाम का जो आइकन होगा उस पे क्लिक करके अपने लॉगिन क्रीडेंशियल्स सबसे पहले जनरेट करने होंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आधार कार्ड का नंबर जो कि ऑप्शनल होगा, ये सब फील्ड्स भरनी होंगी। और उसके बाद 1180 की पेमेंट करनी होगी रजिस्टर करने के लिए, तभी आपको आगे फ्लैट्स की बुकिंग की परमिशन मिल पाएगी। एप्लीकेंट
एक सिंगल एप्लीकेंट के तौर पे भी अप्लाई कर सकता है या फिर जॉइंट एप्लीकेंट के तौर पे भी अप्लाई कर सकता है। जॉइंट एप्लीकेंट किसके साथ? अपनी स्पाउस के साथ या फिर किसी भी अपने फैमिली मेंबर के साथ ब्लड रिलेशन में हो। तो इसके बाद देखते हैं कि रजिस्टर करने के बाद का तरीका क्या होगा। रजिस्टर करने के बाद एप्लीकेंट जब अपने अकाउंट में लॉगिन करने जाएगा तो उसको जो यूज़र नेम देना होगा वो अपना पैन नंबर देना होगा और अपना पासवर्ड वहाँ पे भरना होगा। यहाँ पे ज़रूरी ये है कि रजिस्टर करते वक्त ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वही दिया जाए जो कि फंक्शनल हो, काम करता हुआ हो, एक्सपायर्ड ना हो और ईमेल्स उस ईमेल आईडी को और मोबाइल नंबर पे मैसेजेस को रेगुलरली चेक किया जाए क्योंकि डीडीए की तरफ से जो भी मैसेज भेजे जाएंगे उस ईमेल आईडी उसी ईमेल आईडी पे और उसी मोबाइल नंबर पे भेजे जाएंगे। एप्लीकेंट्स फ्लैट को बुक करने से पहले लोकेशन या फिर सेक्टर फ्लैट का वो देख सकते हैं, फ्लैट का साइज देख सकते हैं, फ्लोर देख सकते हैं, लेआउट प्लान देखा जा सकता है और कॉस्ट देखी जा सकती है ऑनलाइन पोर्टल पे, ऑनलाइन पेज पर डीडीए के। इससे आगे चलते हैं और जानते हैं पेमेंट करने का तरीका। एप्लीकेंट फ्लैट को बुक कर सकता है, ऑनलाइन ही, कहीं जाने की जरूरत नहीं। बुकिंग अमाउंट ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से ही ट्रांसफर करके इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू या फिर एटीएम डेबिट कार्ड के माध्यम से या फिर क्रेडिट कार्ड के माध्यम से एक ही ट्रांजैक्शन में। इसलिए अपने बैंक अकाउंट में बुकिंग अमाउंट यानी बुक कराने की जो राशि हो वो रखनी, एक ही बैंक अकाउंट में रखनी ज़रूरी है ताकि एक ही ट्रांजैक्शन में वो उतनी राशि को ट्रांसफ़र किया जा पाए। जैसा कि पहले भी देखा था 1 BHK फ्लैट्स के लिए EWS कैटेगरी में बुकिंग अमाउंट 50,000, बाकी लोगों के लिए 1 lakh, 2 BHK फ्लैट्स के लिए बुकिंग अमाउंट 4 lakhs, 3 BHK फ्लैट्स के लिए बुकिंग अमाउंट 10 lakhs होगा। जितना बुकिंग अमाउंट होगा वो फ्लैट की जो टोटल कीमत होगी उसमें एडजस्ट हो जाएगा, पर अगर लेटर ऑन जो एप्लीकेंट है वो डिसाइड करता है कि उसको फ्लैट को नहीं खरीदना तो फिर जो बुकिंग अमाउंट होगा वो वापस नहीं किया जाएगा, नॉन रिफंडेबल होगा और सारा का सारा जब्त किया जा सकता है। इसलिए एक ऑप्शन एप्लीकेंट्स के लिए ये भी है कि वो ये बुकिंग कोई भी फ्लैट बुक करने से पहले वो खुद भी जाकर साइट को विजिट कर सकते हैं, वो फ्लैट की इंस्पेक्शन करके आ सकते हैं कि उन्हें किस टाइप का फ्लैट ठीक रहेगा। वहाँ पे सोसाइटी में उन्हें एक सैंपल फ्लैट दिखाए जाने की भी प्रोविज़न है, तो अगर वो संतुष्ट हों उस फ्लैट से उसके बाद ही उसकी बुकिंग की जा सकती है। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।